हरिओम जय श्री राम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मान है जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय। श्री गुरुपद नख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार वरण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार लज्जा मेरी राखियो प्रभु बसहा के असवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
ऐसे नहीं सभी लोग उच्च स्तर में जय घोष करें हाथ उठाते हुए। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की हे हो, अपने अपने माता पिता की हे हो, जय बोलो मणि मैया की हे हो। और एक बार सबके हाथ उठ जाए, बोलो भारत माता की हे हो, सत्य सनातन धर्म की हे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम, माता पिता सहित पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान जिनको अभिनंदन वंदन करते हुए, यत तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, माताएं बहने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण और जो भी दर्शकगण इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से देखें सुने, आप सभी भक्तजनों का दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। आओ एक बार प्रभु जी का नाम लेते हुए और फिर हम कुछ कहने का प्रयास करें। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए गायन करेंगे। के लगन श्याम से लगाया करें हम, लगन श्याम से यूं लगाया करें हम, मजे दर्द दिल के उठाया करें हम, लगन श्याम से यूं लगाया करें। सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। जय हो। और यदि घर में नाम लिया जाता हो भगवान का तो जरूर ताली बजा करके गाइएगा, और ना लिया जाता हो तो हम मजबूर नहीं करेंगे। जय हो। लगन श्याम से यूं लगाया करे लगन श्याम से यूं लगाया करे हमो, लगन श्याम से यूं लगाया करे हम, लगन श्याम से यूं लगाया करे हम, मजे दर्द दिल के उठाया करे हम, ये लुप्त कम हो कभी जिंदगी भर, न ये लुप्त कम हो कभी जिंदगी भर, न ये लुप्त कम हो कभी जिंदगी भर, वो रूठा करे हर मनाया करे हम, वो रूठा करे लगन श्याम से यूं लगाया करे हम, लगन श्याम से यूं लगाया करे हम, और चुभे उनके तीरे
कचर जब जिगर में चुभे उनके तीरे नजर जब जिगर में चुभे उनके तीरे नजर जब जिगर में वो ढूंढा करे और छिपाया करे लगन श्याम से यूं लगाया करे हम लगन श्याम से यूं जय हो लगाया करे हम ये अरमान दिल की हजारों है शक्लें ये अरमान दिल की हजारों है शक्लें अरमान दिल की हजारों है शक्लें ये अरमान दिल की हजारों है शक्लें शक्लें ये अरमान दिल की हजारों है शक्लें अरमान दिल की हजारों है सकले मिटाया करे वो बनाया करे हम मिटाया करे वो बनाया करे हम लगन श्याम से यूं लगाया करे राधे राधे उधर छेड़ कर मुस्कराया करे वो उधर छेड़ कर मुस्कराया करे वो इधर छेड़ कर मुस्कराया करे वो उधर छेड़ कर मुस्कराया करे वो इधर बिंदु द्रग के इधर बिंदु द्रग से बहाया करे हम इधर बिंदु द्रग से बहाया करे हम इधर बिंदु द्रग से बहाया करे हम इधर बिंदु बहाया करे हम इधर बिंदु द्रग से बहाया करे हम लगन श्याम से लगाया करे लगन श्याम से यूं लगाया करे हम लगन श्याम से यूं लगाया करे हम और एक बार तालियों के साथ में सभी लोग गायन करिएगा ज्यादा देर हमने जी भर के
और एक बार बाबा के दरबार में लग जाए हाजरी, हाथ उठा करके एक बार मस्ती में ताली बजा दीजिएगा। मोहन से दिल जो लगाया है मैं जानू लगाया है मैं जानू या वो जाने दिल लगाया है या वो जाने। बोलो श्याम प्यारे की हो, अब की बार तुम मत बोलो। बोलो हारे के सहारे की, वाह एक बार जरा बारह बंकी वाली आवाज वाली जय घोष होनी चाहिए। बोलो बजरंग बली की, धन्यवाद। केवल जय नहीं साथ में जय हो कहा करिए। बोलो सच्चे दरबार की, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे थे, तो अधिक विस्तार ना बढ़ाते हुए सुखदेव जी ने बताया है, राजन ये मार्ग जो भक्ति का है ये मार्ग थोड़ा है कठिन। कहते हैं कि यह सर आवत अति कठिनाई, लेकिन जब तलक प्रभु की कृपा नहीं होती है प्राणी के ऊपर तब तलक वो प्राणी इस मार्ग पे चल नहीं पाता है। साथियों यदि उन कठिनाइयों का हम लोग सामना करते हैं तो सफलता एक न एक दिन कदम हमारे जरूर चूमती है। वैसे तो ये लिखा है ना कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और कोई कठिनाई नहीं आ रही है सामने, तो समझ लेना कि अभी वहां हाजिरी हमारी नहीं लग पाई है। और जब हमारे सामने कोई कठिनाई आने लगे ना तो समझ लेना अब हाजिरी लग गई है, अब हम अपना कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए छोटी सी उम्र में एक भक्त ने ऐसी भक्ति कर दिखाई कि भगवान के वहां भी अपना एक लोक कायम कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। वारे जय जय। बड़ी विचित्र है भाई ताल गांव की। देखो सब लोग मुझ उठा करो पैसे पड़ेंगे नहीं, चाहे जैसे बोल के देखो। हाँ बोलो बजरंग बली की जय हो। ये बात है छोटी सी उम्र में एक भक्त ने ऐसी भक्ति कर दिखाई कि भगवान के वहां भी अपना एक लोक कायम कर लिया। हालांकि ये मार्ग तो कठिन है, हाँ इस मार्ग पे एक बार चला जाए कठिनाइयां तो घेरेंगी, लेकिन एक भजन मैंने गाया है सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कब बोले चरणों में झुक जाने के बाद।
कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। श्रोता प्रेमियों, एक भक्त है जिनकी बड़ी छोटी सी उम्र थी और भगवान के वहां अपना एक लोक कायम कर लिया। ये कथा जुड़ती है, हम जितने भी मनुष्य हैं हम सब लोग मनु की संतान हैं, मनु से हुए हैं मनुष्य। लेकिन ये कुछ धर्म के ठेकेदार लोग जो हैं, राजनीति चमकाने के चक्कर में हम सब लोग जातियों में बट गए, जबकि हम लोगों को जातियों में नहीं बटना चाहिए। हम सब लोग सनातनी हैं और हमारे आप सबके पूर्वज सब संत महर्षि हुए हैं, और मनुष्य जो है मनु की संतान है। मानस में लिखा है रामायण में कि स्वयंभू मनोर सतरूपा अचिंत्य भई नरसृष्टि अनुपा, उन्हीं के वंशज एक राजा हुए थे जिन राजा का नाम महाराज उत्तानपाद है। ध्यान दीजिएगा, ये जो राजा उत्तानपाद है सारी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, पुत्रवत सबका पालन पोषण करते हैं, और इनकी पत्नी जो है जिनका नाम है सुनीति वो भी पतिव्रता है। साथियों, महाराजा उत्तानपाद को सब कुछ मिला है लेकिन इनको चौथा सुख नहीं मिल पाया। और इनकी जो पत्नी है ना जिनका नाम था महारानी सुनीति, ये पतिव्रता है और सतियों में इनका नाम आता है। वैसे एक बात और बता दें, हम विदेशों में भी जाते हैं कथा कहने, लेकिन जो अपना ये भारत देश है ना इसका डंका तो मानो पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि अन्य जितने भी देश हैं किसी भी देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है। कोई कहता है अमेरिका माता हाँ? या ऑस्ट्रेलिया माता, ये अपना भारत देश जो है ना ये माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एक बार जयकारा लगाइएगा सब लोग, बोलो भारत माता की। और ये भारत माता है क्यों? क्योंकि अपने भारत में इन माताओं बहनों की विशेषता है, देवियों की विशेषता है, ये हमारे भारत की नारी में ही क्षमता है। जो कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश को डेढ़ डेढ़ फुट के बनाए दें, क्यों? ये भारत की नारी की क्षमता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बताओ छह छह महीने के बच्चे बना दिया, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ये भारत की नारी की क्षमता है, और यह भारत की नारी की क्षमता है कि यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लेना सावित्री। अब कुछ लोग कहते हैं अरे पंडित जी सब पुरानी बात है, हाँ तो पढ़ा होगा आपने बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये है हमारे भारत में वीरांगनाएं एक से बढ़ के एक हुई हैं, सतियां भी बढ़ चढ़ करके हुई हैं, और आज के समय में यो न सोचो कि पृथ्वी वीरों से खाली है, है आज भी। अब ये कथा हो रही थी हमारी, तब पति पत्नी ये कथा हो गई प्रसाद लिए, तो पति ने कहा पंडित जी तनी इनका समझा दो,
हमका ई कह के हमारी पत्नी है और कैसे बढ़िया भी कथा तुम सुना रहे थे और ये है कि 24 घंटा हमसे चाय 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 लगी रहती। तो हमने कहा देवी जी झगड़ा न किया करो। तो देवी जी बोली पंडित जी हम लड़ी कत्तो लेकिन हम सावित्रीस कम नहीं हैं। तुम कहा मानित है हम मानित ही माने न माने। कहा पत्नी ने कहा कहा हम पंडित जी सावित्री से इतो कम नहीं हैं। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था। तो हमने कहा वो तो ले लिया था कहीं इनका विश्वास ना हो और ना माने ये मर के देखा अब इनका ना हम जमराज ने वापस छीन ले तो हम अपने बप्पा की ना। तो हम कहा भैया अब या तो मानो इनका सावित्री और या तो थोड़ा रिस्क लियो मरो तो पता चले कहीं नहीं तो पंडित जी तो फिर हम ऐसे मान लेते हैं ये ज्यादा सही रहे। बोलो भारत माता की जय हो। तीन सजावत देश को सती संत और सूर तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। कहते हैं उत्तानुपाद की प्रथम त्रिया सतियों में लेखी जाती थी। उत्तानुपाद की प्रथम त्रिया जाती थी। वो परम विनीता नीतिवती हो वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। वो परम विनीता नीतिवती मिला है लेकिन चौथा सुख नहीं मिला है। हमने बताया था जिंदगी में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो वो सुख यही है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ जाए ये सबसे बड़ा सुख है। अब दिखावटी सुख कुछ लोग कहते हैं 6 होते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 10 सुख होते हैं। लेकिन भैया हो दिखावटी मुख्य सुख होते हैं हमारे आपके 4 चार सुख हैं। कौन कौन से बोले पहला सुख जब सुंदर काया ये 4 सुख हैं मुख्य ध्यान दो। पहला सुख जब सुंदर काया और दूजा सुख जब घर में माया। ए भैया सुंदर काया का मतलब ये मत सोचना कि पंडित जी कहने पहला सुख सुंदर काया और हम बहुत करिया हैं सवेरे पाउडर डिब्बा लेके शुरू हो जाओ और कहो हम सुखी हैं मुंह धोयो फिर वैसे नहीं करियो। देखो भगवान का दिया हुआ हर एक रंग अच्छा होता है। हाँ गोरे काले से मतलब नहीं है। सुंदर काया का मतलब है जब आपके शरीर में कोई प्रकार का रोग न लगा हो स्वस्थ शरीर हो ये पहला सुख है और दूसरा सुख है घर में माया। देखो माया ज्यादा न हो ज्यादा माया भय पर फिर मामला गंभीर है। ज्यादा माया हो गई ना तो भगवान भक्ति ना गई भाई हो। एक से एक माया वाले लोग पड़े हैं काफी धन है उनके पास। भागवत की बात छोड़ो पता लगा ले हो सत्यनारायण कथा ना सुन पाओ। पैसा बहुत है सत्यनारायण कथा सुनने मुश्किल है।
लेकिन हाँ जब खाना खाए बैठे थे तो पता लगा ले हो दाल सब्जी थोड़ा खा करेले के जूस चौरैये के झलरा गदा पुरैने पकौड़ी जमुना के पत्ता उत्तम जिंदगी पार सत्य है तने कड़वा लगी बोलो सच्चे दरबार की जय हो के प्रभु जी इतना दीजिए अरे जा में कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं अरे कोई साधु न भूखा जा इतनी माया है तो समझ लो आदमी बहुत सुखी है अब तीसरा सुख है चतुरी नारी यानी आपकी धर्म पत्नी कहूं आपके ऊपर डंडा या बेलना न उठावे आज्ञाकारी गृहिणी मिले के तीसरे सुख जब अरे चतुरी नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी वैसे आज्ञाकारी एक पुत्र हुआ है वो आज्ञाकारी माँ बाप का आज्ञाकारी एक पुत्र हुआ है कुछ लोग कहते हैं श्रवण कुमार लेकिन श्रवण कुमार से भी बड़ा एक आज्ञाकारी बेटा हुआ है एक बार जयकारा लगाइएगा बोलो परशुराम भगवान की भगवान परशुराम जो है ना ये भी बहुत बड़े आज्ञाकारी थे तो बाप के इतना आज्ञाकारी थे कि बाप के कहने पर माता का ही सर काट डाला था खैर उत्तानपाद को सब कुछ मिला है लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई और जब संतान नहीं हुई एक दिन महारानी सुनीति ने किसी से सुना कि नौकरानियां कहती हैं कि दीदी सवेरे सवेरे हम आती हैं और यहाँ आकर के इस बांझन का मुंह देखना पड़ता है तो महारानी सुनीति राजा उत्तानपाद से कहती हैं महाराज दुनिया हंसी उड़ा रही है सब कह रहे हैं कि राजा निबल है महारानी बांझ है उत्तानपाद ने कहा तो दुनिया वालों को कहने दो जो कहते हैं सुनीति ने कहा पता नहीं भगवान को मंजूर क्या है देखो यह बड़ी गलती हमारी तुम्हारी यदि फसल बढ़िया हो गई तो कहते हैं हमने मेहनत किया है मेहनत किया है और यदि पथराहिम फसल बर्बाद गई तब का कहा भगवान तो किसानन बर्बाद करके धर दी बन गया तो हमने बनाया बिगड़ गया तो भगवान याद रखना यदि बनता है तो उनकी कृपा है और यदि बिगड़ता है तो ये हमारी आपकी सबकी कमी है एक भजन हमारा सुने होंगे आप लोग कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता आओ सभी लोग तालियों की सेवा के साथ में गायन करिएगा अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता दिया दूसरों का जो
छाया न होता दिया दिया दूसरों का जो बुझाया ना होता और ना होता जमाने में तू घर से बेघर ना होता जमाने में तू घर से बेघर ना होता जमाने में तू घर से बेघर अगर घर किसी का उजाड़ा न होता अगर घर किसी का उजाड़ा न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सपनों का तीर दिल पर खाया न होता कर्मों का फल है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को समझाया बुझाया ए भैया एक दिन महारानी सुनीति ने सोचा कि घर में यदि बालक नहीं है इस बात को लेके पति देवता भी दुखी हैं तो ला कुछ ऐसा करें जो पति देवता खुश हो जाए। सुनीति ने महाराज उत्तानपाद के सामने हाथ जोड़ के एक निवेदन किया प्रभु एक बात कहूं हाँ हाँ बोलो। सुनीति ने कहा महाराज मानोगे? उत्तानपाद ने कहा कहो तो सही। महारानी सुनीति ने कहा प्रभु ऐसा करो आप दूसरा विवाह कर लो। ए उत्तानपाद चौंक पड़े क्या कह रही हो तुम? सुनीति ने कहा नहीं महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि हमसे कोई औलाद हुई नहीं है यदि दूसरा विवाह आप करोगे ना तो हो सकता है उनसे कोई संतान हो जाए अपना घर आंगन चहकेगा। निष्का दीपक दीप है दिन का दीपक भान सूर्य कुल का दीपक पुत्र है अमुख का दीपक पान। ए रानी सुनीति अपने पति से कह रही है कृपा करके आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हम तो कहते हैं ना आजकल टार्च लेके ढूंढोगे और सोचो ऐसी नारी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है के अपने आप पति से कहती दूसरा विवाह कर लो। और आज का समय तो ये है न मानो चक के लिए कल परसों घरवाली से केवल मजाक मजाक में कहना मजाक में ऐसा है अब हम दूसरा विवाह करूंगा और यदि सवेरे कहे हो ना तो समझ लो दोपहर का खाना कैंसिल। हाँ कहबो करो भोजन नहीं बनेगा तो कहो दूसरों के कह लाओ हमरे हाथ से एक गिलास पानी न पई हो। धन्य है वो नारी वाह पति के खुशी के लिए बेचारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। उत्तानपाद कहते हैं महारानी हुए जिनके दो दो ब्याह वो तबाह हो गए तुम नहीं जानती हो दूसरा विवाह यदि हम कर लेंगे और वो दूसरी वाली तुम्हारे हिसाब न भाई तो। सुनीति ने कहा महाराज हम सब एडजस्ट कर लूंगी आप दूसरा विवाह कर जरूर ले। उत्तानपाद ने फिर समझाया क्या कि रानी रानी शादी करके और जीवन भर ना शादी होगी रानी रानी शादी करके
घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी, घर की तो आबादी होगी। अरे सुनीति ने कहा पिया कुछ भी हो जाए लेकिन कृपा करके आप दूसरा विवाह करो, आपकी हमारी सौगंध है। तो महाराज उत्तानपाद मजबूर हो गए और दूसरा विवाह किए। ए भैया दूसरी वाली का नाम क्या रहा? दूसरी वाली का नाम रहा सूरज। पालकी में बैठ के आई और जैसे गेट पे पहुंची तो सुनीति ने सोचा लाओ थोड़ा आरती वगैरह उतार ले तो थोड़ा माहौल बढ़िया बन जाए। और जान भैया कबो कबो माहौल बनावे के चक्कर में ज्यादा न पड़ो। हाँ कबो कबो बनावे के चक्कर में बिगड़ जा। आई थी माहौल बनाने, जैसे आरती उतारने लगी सुरची ने डोले के अंदर से देखा, कहा राजन ये कौन है? तो उत्तानपाद ने सोचा लातन बढ़ाए चढ़ाए बतावे खुश हो जाए, लेकिन काम सब समझ लो बताए अच्छे के लिए रहे लेकिन हो सब उल्टा रहा। उत्तानपाद आगे बढ़े और कहते हैं देवी ये साक्षात देवी हैं, ये हमारी रानी हैं महारानी सुनीति। और सुनो इनके ऐसी नारी धरती ढूंढे न मिली, काहे क्योंकि तुम इस महल की महारानी बनने जा रही हो ना, इसमें इन्हीं की कृपा है, इन्होंने ही कहा है हमसे विवाह करने को, इसलिए हम विवाह करने जा रहे हैं। जैसे कहा तो रानी सुरुचि डोले के अंदर से एकदम आग बबूला हो गई। मूर्ख राजा मेरे साथ में छल किया गया है, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, और यह तो है बस भोगों के लिए, अरे हमें भार झोंकने लाए हो। राजन जब तुम्हारे पहले से ही एक पत्नी थी तो हमें किस लिए लेके आए हो? और सुनो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब इतना तुम एहसान करो मेरे डोले को लौटा दो। इतना तुम एहसान करो मेरे डोले को लौटा दो, और तुम इसके साथ विहार करो, हमको बिहार तक पहुंचा दो। पीहर जाना है, राजा उत्तानपाद के आई गुस्सा, निकाल लिए तलवार। ए रानी सुनीति ने देखा विचार किया अब तो माहौल बिगड़े जा रहा है, खेल बिगड़ने ना पाए, धन्य हो देवी। रानी सुनीति दौड़ करके आई राजा उत्तानपाद के चरण पकड़ के बोली, महाराज आपको हमारी कसम है मेरी बहना को कुछ मत कहना। और फिर सूरज के पास दौड़ के गई और हंस के बोली, ए बहन
इनकी बातन पे न जाओ, राजा साहब बड़े मजा के स्वभाव के हैं। देवी हम इस महल की रानी थोड़े हैं, हम तो इस महल की नौकरानी हैं, नौकरानी। अरे हम तो इनको शुरुआत से जानते हैं, इनका मजाकिया स्वभाव है, हम नौकरानी हैं। अब देखो पति के खुशी के लिए महारानी बेचारी अपने को नौकरानी कह रही है। क्या बोली? हम रानी नहीं टहलनी है, और ये सब धन धाम तुम्हारा है, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो सिर्फ सहारा है। हाय हाय उत्तान पात अंदर ही अंदर बेचारे रोने लगे कि एक ये देवी है हमारी खुशी के लिए नौकरानी बनने को तैयार है, और एक ये करकसा है अभी देखो डोली में ही बैठी है, इतना बड़ा हुक्म जमा रही है। रानी सुनीति फिर बोली, क्या बहना? ऊपरी टहल मैं कर दूंगी चूल्हा चक्की, और जब जैसे आज्ञा पाऊंगी। सवाल क्या है? कि दो रोटी बहन दिए जाना, अरे हम तेरा ललन खिलाऊंगी। और दो रोटी सिर्फ दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। अरे गजब ये करकसा नारी एकदम गरज पड़ी, चुप कर, अरे तेरे तो कोई संतान हुई नहीं है, अरे तू क्या जानेगी औलाद, अरे तू मेरे बच्चे को खिलाएगी नहीं बल्कि मौका पाके खा जाएगी। और सुन रहे हो राजन, ये बिल्ली जो है ना भगतिन बनके चिड़िया घर में रहना चाह रही है। तब रानी सुनीति की आंख से आंसू निकल पड़े, बहना केवल एक लाल की खुशी के लिए मैंने ये कदम उठाया, और उसको तुम खाने की बात कर रही हो। ये बहन कोई विकल्प हो तो बताओ जिससे तुम महल की रानी बन जाओ। साथियों ये करकसा नारी सूरज कह रही है, ठीक है मैं महलों में तो आ सकती हूं लेकिन मेरी शर्त है। क्या? कहा कि आज के बाद कभी तुम महलों में दिखाई मत पड़ना, जा करके तुम्हें खेतों में रहना है। और सुनो खेतों में जा करके कौवा भगाओ, और खाने के लिए तुम्हें एक शेर जौ दिया जाएगा, जौ। और वही कहीं पुराने मकान में खंडहर में एक चक्की रखवाई जाएगी, वही पीसो खाओ। रानी सुनीति हाथ जोड़ के बोली, बहन पति के खुशी के लिए यदि ऐसा भी करना पड़ेगा तो ये शर्त हमारी, वो शर्त आपकी हमें मंजूर है, महलों को आओ। देखो उत्तानपाद बेचारे मन ही मन रो रहे हैं। देखो आदमी वही है, इंसान ही है, लेकिन क्वालिटी दुई है। क्वालिटी क्या है? कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास पहुंच जाए तो मन यहां कहते कत्ता जल्दी यही टरे। कोई कोई आदमी हो तुम्हारे जोर आए जाए तो मन में यह है कत्ता जल्दी हटे यहां से। और आदमी वो भी है कि तुम्हारे पास में बैठे हैं और जो चले लगे तब तो वो आदमी कहा तरह दो मिनट उठ बैठो, है ना? अरे मिलती एक दारुण दुख दे बिछुरती एक प्राण हर ले मिलत एक दारुण दुख दे
सूरत एक प्राण हरि ले बिछुरत एक प्राण हरि ले बिछुरत एक प्राण हरि ले अरे भैया महारानी सुनीति कहती हूँ तानपा से महाराज आपको मेरी कसम है मेरी बहना को कुछ मत कहना और हमेशा इसका कहना मानना और बेचारी देखो मोटी साड़ी पहनती हैं हाथ में बांस ले लेती हैं और एक शेर जो लेकर के बेचारी चल पड़ी कौवा भगाने इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना समय समय पर होती है समय समय की बात और किसी समय का दिन बड़ा भैया किसी समय की रात है ना या यूं कह लो कि रोज सुबह दो दिन चढ़ता है रोज सुबह दो दिन चढ़ता है और शाम को ढलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है रंग बदलता है रे जमाना रंग बदलता है रे जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है समय कब डाल टलता है समय कब डाल टलता है समय कब डाल टलता है हे डाल टलता है रे वक्त कब डाल टलता है रे वक्त कब डाल टलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है रोज सुबह रोज सुबह दो दिन चढ़ता और शाम को ढलता है जमाना रंग बदलता 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 है हाय हाय समय की बात है कि वो दुष्ट नारी बन गई महलों की महारानी और बेचारी पतिव्रता नारी बन गई कौवा हकनी। ए भैया सुनीति ने ये कहा था कि मेरी बहन की बात मानना तो सुरचि ने पहला आदेश कर दिया कि खबरदार यदि कभी तुम खेतों पर गए बड़ी वाली को मिलने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारे उत्तानपाद वहां खेतों पर भी नहीं जा पा रहे। भैया एक दिन क्या हुआ ये शिकार से वापस आए तो देखा शाम हो गई तो विचार किया ना वह मौका बढ़िया है चलो बड़ी रानी से मिल लिया। जैसे ये बेचारे खेत में आए तो क्या देख रहे हैं मखमल पे बिस्तर विश्राम करने वाली रानी आज घास फूस की टटियां लगाए बेचारी जमीन पे लेटी है। हाय 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 उत्तानपाद पहले तो रोते रहे और उसके बाद में बाहर से आवाज दिए धीरे से क्या बाहर से आवाज देते हैं महाराज कि यदि जागती हो प्यारी तो मुख से तो बोल दे
और यदि आस को यहाँ तक टटिए को खोल दे। हाय हाय रानी सुनीति के कान में जैसे ये पति के शब्द गूंजे दौड़ करके आई और समक्ष पति को देख करके चरणों में गिर गई और इतना रोई कि रोते रोते अपने आंसुओं से पति के चरणों को पखारा। और देखो इसको कहते हैं गृहिणी, इसको कहते हैं धर्मपत्नी। रोते रोते आंसुओं से पति के चरणों को पखारा और फिर पूछा, हे पति देव हमारी बहन कैसी है? तब उत्तानपाद रोने लगे देवी, अरे जिस दुष्ट ने तुम्हें महारानी से कौवा हकनी बना दिया और आज तुम उसकी कुशलता पूछ रहे हो। नहीं नहीं मेरी बहना को कुछ ना कहो। उत्तानपाद कहते हैं मेरे को भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? तब रानी सुनीति रोने लगी, महाराज आप तो महलों में विविध विध के व्यंजन पाते हो महाराज, और आप तो जानते हो हमें क्या मिलता है, एक शेर जौ सूखी रोटी जौ की रखी है, कहो तो ले आओ ले आओ। हाय हाय जैसे वह रोटी महाराज उत्तानपाद खाए है ना, तो आज उस सूखी रोटी में इतना ज्यादा स्वाद है ना कि महल वाला वो व्यंजन सब व्यर्थ है। ऐसा इस रोटी में है क्या? रही मन रहिला की भली जो पर से चितलाए और परसत बने मेला करे सो मैदान जर जाए। बहुत स्वाद है इस रोटी में। आज की रात महाराज उत्तानपाद यही खेतों पर ही सो गए। अब समय की बात देखो भैया, रानी इतने दिन तक महलों में रही तो कुछ नहीं, और केवल एक रात महाराजा उत्तानपाद खेतों पर रानी के साथ सोए हैं, तो आज ही की रात में महारानी सुनीति गर्भवती हो गई। और सुबह सुबह जब राजा घर पहुंचे सुरची ने देखा, कहा भाग जाओ यहां से, क्या हुआ, कहां जाएं? कहीं जहां पूरी रात बिताए हो। उत्तानपाद पे और झूठ बोले, कहीं कहूं ना गए रहे, द्वारे लेटे रहे, और ना मानो जो पहरेदार है इनसे पूछो। तो जो ड्यूटी वाले थे ना उन्होंने सोचा ज्यादा हरिचंद नाना न बनो, सत्यवादी न बनो, राजक मामला कोई जान बच जाए। हाँ वैसे झूठ बोलना पाप है ना, लेकिन किसी की जान बच जाए, को गरीब बेटी की शादी हो जाए, तुम्हारा पेट पल जाए, ऐसी जगहों पर झूठ बोल देना कोई पाप नहीं है। पहरेदार बोले, महारानी ये हमारे साथ तो लेटे रहे सवेरे, तो इनका हम जगावा। आज की रात सुरची के पास महाराज सोए, ये भी गर्भवती हो गई, और कालांतर में वारे समय खेतों पर सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, और महलों में सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म होता है। दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हुए। देखो कहते हैं कि नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना, एक ही बाप की दो संतानें हैं लेकिन नसीब अपना अपना। वो कैसे? भट्ठे में ईंट एक ही साथ पकाई गई है, एक ही साथ पकाई गई, लेकिन जब बिक गई तो कोई ईंट मंदिर में लग गई, तो कोई ईंट खड़ंजे में लग गई, और कोई ईंटा इज्जत घर में लग गई। नसीब
अपना अपना। लेकिन एक चीज है, ये जो महलों में बालक पला है, कभी पालने में तो कभी गोदी में, और खेत वाला कभी माँ की गोद में तो कभी बेचारा खेत की मेढ़ों पे पड़ा है। और ये बच्चे दोनों बड़े हुए, खेत वाले का नाम क्या रखा गया? ध्रुव कुमार। और महल वाले का नाम उत्तम कुमार। लेकिन मैया सुनीति ने अपने ध्रुव बेटा को सिखाया बहुत बढ़िया। देखो, जिंदगी का प्रथम गुरु माँ है। एक चीज और समझ लेना, अब आजकल लोग गुरु के पीछे ज्यादा ही पड़े। तुलसी बाबा ने लिखा है कि बिन गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ठीक। स्वामी कबीर कहते हैं कि गुरु जो है ये भगवान से बड़ा है। वो का है? कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, और कह कबीर गुरु रूठते फिर हरि नहीं हो सहाय। गुरु जो है भगवान से बड़ा है। लेकिन कुछ लोग कहे लगते हैं गुरु सबसे बड़ा है। सुन ले, गुरु सबसे बड़ा नहीं है ना। गुरु का नंबर तीसरा है। तीसरा गुरु से दो लोग और बड़े हैं, पहले उनका सम्मान करना सीखो। लेकिन हम देख रहे हैं गुरु से दो लोग जो बड़े हैं ना, उन पर मारे लाठी झरस कपड़ी फट डरी, और गले में देखो तो कंठी कम से कम 250 ग्राम की बांध है। का कंठी बांध कल्याण हुई है तुम्हारो? खेत में असली गाय मिल जाए, असली गाय, खेत में असली गैया मिल जाए तो कहो बल्लमुई भोंक दे। अब मंदिर में यह पत्थर वाली गैसा रगड़ी धोई है जैसे बैतन्य दिए वह पार होना। हाँ, अब तो इस समय ट्रेंड ये चल रहा है शिव मंदिरों में, हम देखते हैं भोले बाबा जल चढ़ाए, और वह के बाद जो नंदी महाराज हो उनके कान हम कहा यह बात बता दो तो काम जल्दी हो जाए। हाँ, कान मत है भोले बाबा कह दियो तो काम कर दो। अरे असली वाले दंडन मार। गुरु से बड़े दो लोग और हैं। राम जी को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? इन्होंने नियम से काम किया था। प्रातकाल उठ के रघुनाथा क्या करते थे? मातु पिता तब गुरु नाम था। जिंदगी में यदि सबसे बड़ा स्थान ढूंढते हो किसका है, तो सबसे बड़ा स्थान है माता का, फिर पिता का, उसके बाद गुरु का, फिर भगवान का। एक भजन हमने बहुत पहले गाया था, सुने होंगे आप लोग, कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई, और जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला फेराए का होई। हो भैया माला घुमाए का होई, दिल की कोठरिया साफ नहीं, और काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन चालक कहाए का होई। ये शरीर गाड़ी है, काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, और चालक कहाए का होई। जब एक सीटेंट तुम करई चुके,
जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके हो फिर हारन बजाए का होई हो भैया हारन बजाए का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई काशी गए मथुरा को गए और सब तीर्थ नहाए का होई काशी गए मथुरा को गए सब तीर्थ नहाए का होई जब बाप की खपरी फोर चुके जब पापा की पसुरी तोड़ चुके हो फिर पिंडा बनाए का होई हो भैया श्राद्ध भराए ए जले जिंदा रहे जले जिंदा रहे बाप तो लड़का जो पूछे भैया को आवा है तो बात कहे झाँ झाँ का चुप्पे बैठे जो नु आवा तो हमका मिलबे करे तुम ना टाइ टाइ किया करे और जब मर जाते तो कहते हैं देखो पापा तमाकू खात रहे और चुनौती पुण्य कही दे छतरु की शौकीन है छतरु दान कही दे तो दस बिगहा की शौकीन है दो बिगहा वह मका दान कही दे तब जानी है कपड़ा पहरी मर गए रहे उल्टो फारी फेंक दे नदी पहरे पहरे मरे और सोने की चैन अंगूठी पहरी मरे रहे वह ना प्याकर वैका धल ले कह दिया पापा की निशानी जब बाप की खपरी फोर चुके हो फिर पिंडा बनाए का होई हो भैया बहुत गई कुछ समझ न पाए और समय गवाए का होई बहुत गई कुछ समझ न पाए समय गवाए का होई और जब खेत चिड़ैया चुन गई जब खेत चिड़ैया चुन गई तब डंडा हलाए का होई हो भैया डंडा हलाए का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई और कहत कबीर सुनो भाई साधो फिर पछताए का होई कहत कबीर सुनो भाई सब जन फिर पछताए का होई और पहले से प्यारे यदि भजन की होना पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना हरि घर जई हो तब का होई हो भैया हरि घर जई हो तब का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई ऊपर के नहाए का होई तो जिंदगी का प्रथम गुरु है माँ। एक बात और सुन लो सब लोग, बच्चे की जिंदगी महतारी बाप चाहे तो बच्चे की जिंदगी बनावे और चाहे तो जिंदगी बिगाड़े।
यहाँ समझ लियो कि बच्चे की जिंदगी हमारे आपके हाथ में है। अब कुछ लोग कहते पंडित जी बच्चे की जिंदगी बिगाड़ा चाहत को, हम तुम नहीं चाहते जिंदगी धोखे धोखे बिगड़ जा। वैसे बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने में हाथ ज्यादा जान रहेगा ना, बच्चे जिंदगी बिगाड़े में हाथ ज्यादा इन्हें बन जन रहा अम्मा लोगन। हाँ लेकिन तुम लोग अपने न सोचे हो, पता लगे दक्षिणों घुमा ले जाए ना चढ़ाए, कबो कबो हो जात कहते हैं ठीक कई लोग बुराई एक पैसा नहीं चढ़ाई। अच्छा माता जिंदगी कैसे बिगाड़ देते हैं, जानबूझ के नहीं धोखे में। अब भैया ने कहीं शरारत किया, पिताजी ने छड़ी उठाई, अभी तुमको बताते हैं। और जब पिताजी छड़ी उठाई तो भैया मम्मी के लागे पहुंच गए। अब मम्मी क्या करती है पीछे छिपा ली। अब पति का कहते हैं देखो मारे ना तुमका हमार कसम है। अब दो चार दिन तुम यो कह दे तो समझ लो भैया की जिंदगी सीताराम। वही तो सोचते हैं चाहे जो तक कुछ उत्पाद करो मम्मी जिंदाबाद, ऐसे जिंदगी बिगड़ती। रानी सुनीति ने ध्रुव कुमार को एक बहुत बढ़िया मंत्र सिखाया है, कौन सा कि बेटा बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना सीखो। हम कथा में जाते हैं, अब यहाँ भी जैसे हम कहें कि इतने बच्चे बैठे हैं, क्या भला इसमें ऐसा कोई है जो बच्चा सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छूता हो, यदि कोई है तो हाथ उठाओ। एक ही बच्चा है बाकी सब जीरो बटा सन्नाटा। अब इसमें बच्चों की गलती थोड़ी है ना, गलती है महतारी बाप। लड़का तो देखते है सोचते है जब हमारे बाप अपने बाप के पैर ना छूते हैं तो हम काहे छूते हैं। बच्चन पर देखा देखो फर्क पर हम निवेदन करते हैं, कुछ ना यदि शिक्षा दे पाओ तो अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना। माताएं विशेष ध्यान रखें कि ये जरूर सिखाइए कि जहां तक संभव हो तुम्हारा बालक सुबह उठ करके प्रणाम करना सीख जाए। बस कहते हैं ना प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया ये उपाय है। ध्रुव कुमार को यही शिक्षा मिली है, बेटा सबको प्रणाम करो पैर छुओ। और एक दिन ध्रुव कुमार घूमते घूमते कहीं महलों में आ गए, उत्तानपाद ने देखा हाय हाय ये तो बड़ी रानी का बेटा है, ये तो अपने बेटा है, तो उत्तम कुमार को उतार दिया, ध्रुव को गोदी ले लिए, घूमने लगे लान में। इतने में सुरुचि आई, अब बहुत भला बुरा राजा को कहा और ध्रुव कुमार को खींच के मारा एक गाल पे धड़ाक से। मूर्ख पैदा हुआ है कौवा हकनी की कोख में और गोद खेलने आया है राजा की, फट जा यहां से, आज के बाद दरबार मत आना। और राजा तुम भी मूर्ख हो, इस गधे को गोदी लिए बैठे। उत्तानपाद बेचारे कुछ नहीं बोले क्योंकि बड़ी रानी कहीं ना है कि हमारी छोटी बहन कुछ कहे ना। लेकिन ध्रुव बेचारा काल पे हाथ रख करके रोता रोता सीधे मैया के पास गया। सुनीति ने पूछा बेटा किसने मारा है, काहे रो रहे हो बोलो। तो ध्रुव कुमार ने रोते रोते सिर्फ यही कहा मां, ये नहीं कहा किसने मारा है क्या हुआ ना। ध्रुव कुमार ने केवल इतना ही कहा मैया क्या हमारे बाप नहीं है क्या। माँ मैं पिता की गोद में जाना चाहता हूँ। मैया यदि मेरा बाप है तो कहाँ है, मैं बाप की गोद में जाऊंगा। तब रानी सुनीति ने कहा बेटा क्या महलों को गए थे। ध्रुव ने कहा हाँ मैया मैं महलों को गया था और वहां पे एक मौसी जी ने हमें राजा की गोद से जमीन पे पटक दिया और हमसे कहा कि बाप की गोद खेलनी थी तो कौवा हकनी की कोख में काहे पैदा हुई। रानी सुनीति बेचारी आंख में आंसू भर के बोली बेटा इस हाड़ मांस वाले बाप में क्या रखा है, ये तो सब नकली रिश्ते नाते हैं।
पुत्र। यदि तुझे पिता की गोद में जा खेलना है ना, तो तू परम पिता की गोद में जा। ध्रुव ने कहा मैया ये परम पिता कौन है? सुनीति ने कहा ये परम पिता पूरे संसार का मालिक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैया ये परम पिता मिलते कहाँ हैं? सुनीति ने कहा बेटा उन परम पिता को पाने के लिए योगी इति साधु सन्यासी सब जंगलों में तपस्या किया करते हैं। ध्रुव ने कहा माँ ये परम पिता देखने में कैसे लगते हैं? सुनीति ने कहा बेटा वो परम पिता परमात्मा जो है ना, उनकी तो बड़ी अपरंपार लीला है। क्या? के बिनु पग चलाई, बिनु पग चलाई, सुने बिनु काना, कर बिनु काराब, करे विधि नाना। सुनीति बहुत रोकती रही लेकिन ध्रुव कुमार नहीं रुके। रानी सुरची ने जाना कि वो लड़का तो जंगल जा रहा है। ए भैया, तब एक करकसा नारी ने राजा से कहा जाओ उस लड़के को वापस ले आओ। कहे अरे कहीं छोटा है कोई जानवर खा जाएगा, लोग यही कहेंगे सौतेली माता ने ऐसा किया। हाय हाय उत्तान पादा है ध्रुव कुमार, रुको बेटा। ध्रुव बोले क्या है? बोले घर चलो। ध्रुव ने कहा मौसी से पूछे हो? उत्तानपाद बोले बेटा हमका वह भेजने हैं तुम्हें ले के लिए। तो ध्रुव ने कहा तब तो हम कतई नहीं जाओ। काहे? कहे कि भाई हम परम पिता की गोद नहीं पहुंचे हैं, मौसी की गोद अब हेस खाली हो गई, और यदि हम परम पिता की गोद पहुंच जाओ तब का हुई है। ध्रुव कुमार जंगल आ गए, बच्चा है छोटा है जाए तो कहां जाए, कुछ मंत्र और पूजा पाठ जानते ही नहीं। अचानक क्या हुआ? बाबा नारद आ गए और ध्रुव से बोले बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा बाबा हम परम पिता की गोद जाना चाह रहे हैं। नारद बोले अरे चले जाओ अपनी मैया के पास, नहीं परम पिता की गोद तो नहीं कोई जंगली जानवर के पेट में जरूर पहुंच जाओगे, खा जाएगा कोई जानवर। तो ध्रुव ने कहा जानवर खाएगा हमें तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ एक निवेदन आया है भजन के लिए, अब गुजरिया देखो मानते हैं कि नहीं, अभी सुनाएंगे, थोड़ा और ध्यान दें। ध्रुव ने कहा बाबा यदि हमें कोई जानवर खा जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हाथिन के दांतन के खिलौना बने भात भात, और राजा की खाल वो हाथिन के दांतन के खिलौना बने भात भात, मृगया की खाल राजा अति मन भाई है, और बकरे की खाल केरी ढोलक मढ़ाई गई, लेकिन मानुष की खाल कोई काम में ना आई है। नारद ने सोचा ये तो छोटा बच्चा हमका ज्ञान दे रहा है। तो नारद बोले बेटा हमारा जो कहा था तुम परम पिता तक पहुंच गई हो, लेकिन तुम अभी अधूरे हो, बाबा हम पूरे कैसे होंगे? नारद जी ने कहा पहले तुम गुरु कर लो, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान सीताराम। ध्रुव कुमार ने देव ऋषि नारद जी से मंत्र दीक्षा ली, और मंत्र लेने के बाद जब नारद चलने लगे तो ध्रुव ने कहा ये गुरुजी हमारी माता कह रही थी कि परम पिता जो है बिन पग चले सुने बिन काना, तो जब उनके हाथ पांव को जो है ना
अब परम पिता ही आए जे हैं तो हम पहचान वो कैसे। तब नारद जी ने सोचा कि तुम्हार पहला वाला गुरु बड़ा जोरदार है। नारद बोले वही तो बिन पग चले सुने बिन काना, प्रभु जी जो है ना परम पिता वो निराकार है लेकिन भक्तों के लिए साकार रूप में आते हैं। और बेटा ज्यादातर वो चार भुजाओं में प्रकट होते हैं। ध्रुव बोले चले जाओ आप, मैं देखता हूँ। ध्रुव तपस्या करने लगे, अंत तो गत्ता भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान ध्रुव से कहते हैं कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा पहले ये बताओ आप हमारे हैं कौन। देखो छोटा बच्चा भगवान फांस रहा चक्कर। तो भगवान बोले बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा चलो अच्छा मांगेंगे बाद में, ये बताओ हम आपके कौन हैं। तो भगवान बोले तू मेरा पुत्र है। ध्रुव ने कहा ऐसे नहीं तीन बार कह दो। भगवान ने तीन बार कह दिया तू मेरा पुत्र है पुत्र है पुत्र है। तो ध्रुव कुमार ने कहा फिर हम तुम्हारे कौन है। अरे तू मेरा पुत्र है और आप हमारे कौन है। भगवान बोले हम तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव बोले तीन बार कहो। अच्छा तीन बार कहा मतलब कसम खवाना। भगवान छोटे बच्चे के चक्कर में फंस गए और धोखे से कह दी मैं तेरा पिता हूँ पिता हूँ पिता हूँ। अब मांगो। ध्रुव बोले अब मंगवो कुछ ना कहे कहीं जब हमारे बाप हो तो खुद ही जानो हमें का चाहिए। भगवान बोले तो ठीक के जैसे छोटा बच्चा है अबोध। अब मान लो देवक मेला पहुंच जाओ बच्चा रोवे लगे आज बोले नहीं पावत है अबोध है तो या मम्मी पापा की टेंशन है कि भैया जलेबी देखे रोए हैं कि गुनगुना देखे रोए हैं या तो मातारी बाबा की टेंशन। ध्रुव ने कहा जब आप बाप बन गए हो अब तुम जानो। भगवान बोले स्याबस बेटा खूब फंसे हो में कोई बात नहीं। प्रभु जी चले गए ध्रुव कुमार मैया सुनीति के पास आए और कहा मैया मैंने परम पिता की गोदी पाली है। सुनीति बोली अरे तू है कौन दुष्ट मेरा बच्चा छोटा था कोई जानवर खा गया होगा। ध्रुव ने कहा नहीं मैया हम तुम्हारे ही पुत्र हैं। सुनीति ने कहा हम कैसे माने कैसे मानोगी। तो सुनीति ने कहा हम तुमका अपनी आंखें से देखे तब मानी। जानते हो जब ध्रुव चले गए थे ना जंगल तो मैया पुत्र के वियोग में इतना रोई थी कि रोते रोते बेचारी अंधी हो गई थी। तो कहा हम अपनी आंखों से तुम्हें देखें। तो ध्रुव कुमार को कहीं हॉस्पिटल थोड़े ले जाना है। ध्रुव कुमार ने लगाई घंटी पिताजी। भगवान खट से हाजिर हाँ बेटा जी कहा है कहीं यू न पूछो कहा है बाप बने हो खुद ही जानो कहा। भगवान ने हाथ उठाया माँ की आंख में रोशनी आई। तब सुनीति कहती है बेटा अब संसारिक पिता तुम्हारे जो है वही राजा साहब है चलो मिलवा देती हूँ। और जैसे ये मिलने आए तानपाद ने सोचा कोई राजा आ गया है चढ़ाई करके तो सीधे राज मुकुट लाई के देने लगे। सुनीति ने प्रणाम किया उत्तानपाद को और ध्रुव कुमार से कहा बेटा ये तुम्हारे शारीरिक पिता है प्रणाम करो। ध्रुव ने कहा पिताजी ये कहाँ का नियम है एक माता राज करे एक माता कौवा भगा। उत्तानपाद ने कहा बेटा हमसे कुछ न कहो ये सारी गलती तुम्हारी माता की है आज तक मैं इनकी बात मानता आया और तुम राज करो और अभी हम दुष्ट सुरची को अभी मार देता हूँ। तब सुनीति फिर पैर पकड़ती है नहीं वो मेरी छोटी बहन है अरे हो सकता है उसी के भाग्य में दो बालक थे जो कि एक मुझे भी मिल गया। सुरचि आई कि दीदी हमें क्षमा कर दो। उत्तानपाद कहते बेटा ध्रुव कुमार राज करो और ध्रुव कुमार भक्ति के रंग में लग गए उनका राजपाट में कुछ आनंद न आवे। उत्तम कुमार को राजा बना के ध्रुव कुमार जंगल चले गए। एक बार क्या हुआ था कि कुबेर के द्वारा उत्तम कुमार का वध हो गया तब ध्रुव कुमार को जानकारी मिली। ध्रुव कुमार ने आकर के कुबेर से युद्ध किया अंत तो गत्वा बाबा नारद जी ने कुबेर का ध्रुव कुमार का सुलहनामा कराया सुलह समझौता कराया। थोड़े दिन तक ध्रुव कुमार राज तो संभाले हैं
लेकिन कुछ आनंद आया नहीं, क्योंकि भक्ति का रंग यदि रंग जाए, दुई नारिन के रहे कंपटीशन, माया और भक्ति, ये एक घर में दोनों लोग नहीं रहती है। जिन पर माया की बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा माया की, तो उनकी यह गति है कि सत्यनारायण कथा का बहुत सुन नहीं पाए हैं। माया की कृपा बहुत है, लेकिन भक्ति उनके घर में नहीं है। हाँ, यो है माया खूब है, सत्यनारायण कथा नहीं सुनेगी जान। यो है कि वो दर्जन दो दर्जन केला ले ली, और मान लो कहो अस्पताल अस्पताल पहुंच गए, एक एक केला पकड़ा, एक फट फट फोटो खिंचा ले और फेसबुक पर डाल दे, फलों का किया गया वितरण। यो हम देखे नहीं, बाकी कहा अंदर से सब सीताराम। उत्तरकांड में लिखा है मोहन नारी नारी के रूपा, ये दो नारी है माया और भक्ति, जिनके ऊपर माया की बड़ी कृपा है वो भक्ति नाए, और जिनके ऊपर भक्ति बड़ी कृपा वो माया से परेशान। सोचता तो हूँ अकेले भंडारा सब कराए दे, लेकिन क्या बताई तीर पल्ले को चाहिए ना। ध्रुव कुमार ने उत्कल कुमार को राजा बनाया और दोनों माताओं सहित आकर के जंगल में रहने लगे। जब चाहे जब इच्छा बनती है तब पिताजी कहते हैं तो भगवान दर्शन देने आते हैं। एक दिन भगवान कहने लगे ध्रुव कुमार तुम जब देखो तब चिल्लाने लगते हो पिताजी हमें आना पड़ता है। तो ध्रुव कुमार बोले फिर बाप बनो का है, दर्शन तो देख पड़ी, बाप बनो कोई आसान। तो भगवान बोले ऐसा करो, चलो हम तुमको बैकुंठ के ठीक ठीक द्वार पर एक स्थान दे देते हैं, तुम वहीं रहो और जय बार हम निकरी बैठी तो दर्शन करो। रात में जब हम लोग देखते हैं ज्यादा लाइट वाला तारा, आसमान में तारे हैं ना, जो ज्यादा लाइट वाला तारा है उसको कहते ध्रुव तारा है, ये ध्रुव लोक है। यानी ध्रुव कुमार ने ऐसी भक्ति कर दिखाई कि भगवान के वहां भी अपना एक लोक कायम कर लिया। कि लौला की है और लौला की है तुमसे हमार, सूरत मोरे मन बापसे बजा करके एक बार गाएंगे क्या। लौला की है हो, लौला की है प्रभु से हमारा, सुरत मोरे मन बाप से, लौला की है तुम से हमारा, सुरत मोरे मन बाप से, मोरे मन बाप से, मन बाप से, मोरे मन बाप से, मन बाप से, मोरे मन बाप से, बंसी वाले हरे हो, मुरली वाले तुम्हें हो आधा, सुरत मोरे मन बाप से, जो प्याला मैंने पिया, अरे प्रेम का रस का प्याला मैंने पिया, तुम्हारे प्रेम के रस का जो प्याला मैंने पिया, तुम्हारे प्रेम का रस का जो प्याला मैंने पिया, बदन में पहुंच करके असर सारे तन में किया, बदन में पहुंच करके असर सारे तन में किया, बदन में पहुंच करके असर सारे तन में किया, नसायज हूँ बोलो सच्चे दरबार की, नसायज हूँ ना उतरा हवा, सुरत मोरे मन बाप से, लौला की है तुमसे हवा, सुरत मोरे मन बाप से, लौला की है तुमसे हवा,
बसी मन महाबसी मन महाबसी मन महाबसी हो लौला की है लौला की है लौला की है तुमसे हवा सुरती बोले सुरत बोले मन वापसी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद भगवान की। आइए एक भजन का निवेदन आया है और ये भी भजन कई बार आप लोग सुने होंगे कैसेट के माध्यम से भी और हमारे YouTube चैनल पे भी। जिस समय ब्रज की गोपियां जाती हैं मथुरा को दही बेचने के लिए तो कन्हैया जो हैं गोपियों का मार्ग रोकते हैं और कहते हैं दान पुण्य करने से बाधा टलती है। तो आइए इस भजन के भाव में सुनिएगा। सभी लोग थोड़ा तालियों की सेवा जरूर दे दीजिएगा हो सके तो। और मान ले गुजरिया मेरा कहना सुनती हो हाँ। वाह बोलो सच्चे दरबार की। मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। मनुष्य तेरा कहना क्या दो दही का दान दे दो दही का ना तू दही का दान ना तू दही का। मान ले अरे मान ले आहा। मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। मनुष्य तेरा कहना दान ना दो दही का। मान जाओ आहा। मान जाओ नहीं मानोगे एक बात बताओ कौन गाँव की तुम हो गुजरिया। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया। कौन शहर को तुम्हें जाना ए गुजरिया। कौन शहर को तुम्हें जाना दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। मनुष्य तेरा कहना दान ना दो दही का। मान जाओ अरे मान जाओ। कहाँ रहते हो बताओ जरा। बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। मथुरा शहर को हमें जाना है श्याम। बोलिए
वाले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। अरे मान जाओ बड़ी गुजरिया तुम्हें मान जाओ कौन मानी। कंसो मामा तेरो कौन लगती है ए गुजरिया। कंसो मामा तेरो कौन लगती है या भैया या तेरो सजना ए गुजरिया। या भैया या तेरो सजना दान दे दो दहीका। मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दहीका। गुजरिया बड़ी गुजरिया वो दक्षिणा ले लो गुजरिया मान जावे ले लो बड़ी और छोटी गुजरिया दोनों मिलेगी अब मान जाओ। अरे मान जाओ वाह दे दो दही का दान दे दो दही का। गुजरिया कंस कौन है जरा बताओगी हमें। कंस है मथुरा का राजा। कंस है मथुरा का राजा। ना भैया ना मेरो सजना श्याम। बोलिए ना भैया ना मेरो सजना दान ना दूं दही का। दान दे गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही। एक बात कहें तो मंगाई देवे चटक चुनरिया। पैसे हैं पैसे हैं हाँ मंगाओ तो मंगाई दे चटक चुनरिया और मिठाई वालों दोना ये गुजरिया। और मिठाई वालों दोना दान दे दो दे दो दही का। ना बनू श्याम तेरा कहना दान ना दूं दही का। दे दो दही का दान दे दो दही का। ना दूं दही का दान जय हो ना दूं दही का। मान ले अरे मान ले मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही। अरे मान जाओ आहा चुनरिया ला देंगे ना चाहिए मोहे झटक चुनरिया। ना चाहिए मोहे झटक चुनरिया। ना मिठाई वालों दो ना ऐसा बोलिए। ना मिठाई वालों दो ना दान ना दो नहीं का। मान ले गुजरिया मेरा कहे दान दे दो दही का। मानो श्याम तेरा कहना दान ना दूं दही का। दे दो दही का दान दे दो दही का। ना दूं दही का दान ना दूं दही का। मान ले मान ले मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही। I'm not
बोले गुजरिया मेरा कहे दाद दे दो दही सहारे की बस अब ये कथा इसी जगह विराम। आगे की चर्चा कल होगी। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारे। अब जो है भगवान की आरती होगी। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं और भाव के साथ में करें भगवान की आरती। उसके बाद प्रसाद वितरण और सभी से निवेदन है आप सब लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। और जो भी भक्तजन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद लाभ ले रहे हैं, ये हमारा YouTube चैनल सुरेश अवस्थी, इसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक हमारा YouTube चैनल है सुरेश अवस्थी ऑफिशियल, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और Instagram पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सुरेश चंद्र अवस्थी के नाम से Instagram आईडी है। और Facebook पेज सुरेश कथावाचक के नाम से है, इसको भी आप लोग फॉलो करें। आओ सभी लोग मस्ती के साथ में प्रभु जी की आरती कर लें, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा, सब लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। सादर जय श्री राम। राम राम ओ चंद्रमा मन सो जाद्रक्षो हो सूर्य वो जायत सोद्रार्द्वाइश प्राणश मुखाद निर जायत पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। श्री पापियों का पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है कारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि दरस करा पावन पुनीत, पापों को
कराने वाला शांत गीत भवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नरेश कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल शतपथ खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल शतपथ खोल राम यही धन श्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों का पाप से कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम सदा वसुतम हृदय भवानी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों का पाप से है तारती बोलो भागवत भगवान की हो आज के आनंद की हो भारत माता की हो जले शीतलीकरण ओम सज्जन ओम सज्जन जबरदस्त संयुक्त मनी नाम एकम में आदि ब्रह्मांड देव सुंदर।